नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, आजकल देश की राजनीति में इस शब्द के बिना शायद ही कोई दिन गुजरता होगा। कोई ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा है तो कोई एससी एसटी आरक्षण की, तो कोई ईडब्ल्यूसी आरक्षण की दुहाई दे रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक और शब्द चर्चा में आ गया है, क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारें क्रीमी लेयर की पहचान करें ताकि आरक्षित जातियों में जो जातियां पीछे छूट गई हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। इस पर भी लोगों की मिलीजुली राय है, कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ ही लोग उठा रहे हैं? क्या सच में अनुसूचित जातियों में सिर्फ कुछ जातियां ही आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं? क्या आज भी महादलित परिवारों की दशा नहीं बदल पाई है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने पड़ताल की अलग अलग जातियों की अलग अलग जगहों पर। एक एक कर आपको दिखाते हैं आरक्षण पर चल रहे बवाल की पूरी पड़ताल। मुसहर, दिहाड़ी मजदूरी और खेतों में रोपनी सहनी इस जाति का पारंपरिक रोजगार रहा है, पर अब इस जाति को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का लाभ मुसहर जाति के लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमने गोपालगंज के जियापुर गाँव में मुसहर टोला की पड़ताल की, ये रिपोर्ट देखिए। ये है बीगू मुसहर, उम्र 55 साल है। गोपालगंज के हजियापुर मुसहर टोली में इनका घर है। घर में कुल 7 सदस्य रहते हैं। पत्नी और माँ बाप का निधन हो चुका है। बेटे बेटियां और खुद बीगू सबके लालन पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। रोजी रोटी के लिए मजदूरी का काम किया करते हैं। छोटे भाई और बेटे भी मजदूरी करते हैं। एक भाई भाड़े पर ई रिक्शा लेकर सवारी ढोते हैं। घर में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली। हम लोग जुगाड़ में यही कमाते हैं, काम लगता है तो खाते हैं, नहीं काम लगता है तो हम लोग नहीं खाते हैं, यहीं में रह जाते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 आदमी हैं। सब लोग क्या करते हैं? सब लोग ये बस हम ही अकेले कमलियार हैं। बीगू के छोटे भाई ओम प्रकाश पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते थे, मगर पैसों की कमी की वजह से 7वीं तक पढ़ सके। 12 साल की उम्र के बाद स्कूल से नाता तोड़ लिया। तब से मुसहर टोली के पास बाजार तक ई रिक्शा से सवारी ढोते हैं। ओम प्रकाश आज भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, पर हालात उन्हें इसकी इजाजत नहीं देते। अब इसका 500 रुपया रोज देते हैं और उसे बच्चा है तो अपना परिवार को खिलाते हैं। ऐसे हाँ, बस ऐसे कोई हमारा नौकरी शुकरी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, बस इसी से हम लोग रोजी रोटी चलता है। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे को कुछ नहीं पढ़ते हैं, बच्चा हमारा कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी है 62 साल के धनई रावत की। झोपड़ी नुमा घर में 10 सदस्य का परिवार रहता है। पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते हैं और मजदूरी करते हैं। घर के बच्चों ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, कब तक जाते रहेंगे ये तय नहीं है, क्योंकि आज तक इनके घर में कोई मैट्रिक पास नहीं कर सका है। पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो सरकारी नौकरी तो इस परिवार के लिए सपना ही है। कोई वो कमा खियावल जला ना बोचल ना ये घर द्वार बनो। घर में कोई सरकारी नौकरी भी करता है? कोई नहीं, नौकरी नहीं करता है कोई लोग। अच्छा, क्या करता है बच्चा लोग? बच्चा लोग सोनी वोनी कहीं कहीं लग जाता है, करता है। डेली काम मिल जाता है? डेली कहाँ से काम मिलेगा, कब काल का मिल जाए जाई लो ना तो घर रही लो। मुसहर टोली में पड़ताल के दौरान हम स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लेने पहुंचे। स्कूल में दाखिल होते ही जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आप गुस्से से तिलमिला उठेंगे। सरकारी स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नशा करने वाले युवक भी मुसहर समाज से ही हैं। नशे में धुत एक युवक ने बताया कि वो मजदूरी कर दिन के 400 रुपये कमाता है और उन्हीं पैसों से नशा करता है। सोचिए, जिस स्कूल में नशेड़ियों का ठिकाना हो
वहाँ के बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे। यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि इलाके की हालात बदले, इनका परिवार भी शिक्षित हो। वो बच्चा बावन दिन हो गए 11 साल के, तो पढ़े लोग सरकारी करते हैं। हाँ। और कोई सरकारी योजना का लाभ चाहे सरकार कुछ नहीं खे मिला। मकान उकान बना आप लोग का? ना, झोपड़ी है। हाँ, मड़ई का। प्रकाश, बिगू और धनई मुसहर की तरह यहाँ तकरीबन 2000 की आबादी है, तकरीबन 450 यहाँ परिवार हैं, लेकिन आज तक इस परिवार के सदस्य में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सका। बात करें शिक्षा की, तो यहाँ आज तक किसी भी परिवार के सदस्य मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। हालांकि सरकारी विद्यालय है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गोविंद कुमार, News18, गोपालगंज। अनुसूचित जाति के अंतर्गत पासी जाति भी आती है, जिन्हें पारंपरिक तौर पर ताड़ के पेड़ से नीरा और ताड़ी निकालने के लिए जाना जाता है। अब इन्हें भी एससी कोटा के तहत आरक्षण हासिल है, पर इसका लाभ मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए हमने वैशाली जिले के रसूलपुर गांव की पड़ताल की और वहाँ पर पासी टोला का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ ताड़ के लंबे पेड़ और बीच में फूस के मकानों का एक टोला। ये तस्वीर वैशाली के रसूलपुर गांव के पासी टोला की है। गांव में लगभग 70 पासी परिवार रहते हैं। ये घर संजय पासवान का है। घर में कुल 9 लोग रहते हैं। दो भाई पटना में रहकर मजदूरी करते हैं। संजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गाँव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। इन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकता है, इसकी इन्हें जानकारी ही नहीं है। आप लोगों को आरक्षण मिला है, पता है आरक्षण है आप लोगों को मिला हुआ है? नहीं, पता नहीं है। उसका कुछ लाभ मिला आपके घर में किसी को, कभी कोई सरकारी नौकरी में, कभी कुछ आरक्षण का लाभ? नहीं, कभी नहीं। पता भी नहीं है कि आरक्षण मिला है आप लोगों को? नहीं। आरक्षण मिलता है आप लोगों को, पता है? नहीं, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। पढ़ा लिखा नहीं है तो हमसे क्या जाने ज्ञान पटा दे। कोई बताता नहीं है नेता? नहीं, कोई नहीं बोलता है। इसी पासी टोला में वीर कुमार पासवान भी रहते हैं। इन्हें आरक्षण की जानकारी तो है, पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, इसलिए परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। वीर कुमार खुद तो सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, पर बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं। तो हम लोग बच्चों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ाई के लिए, अब आगे देखते हैं। उतना आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, लोग को अच्छा खासा पढ़ाई करवाने के लिए, अच्छा जॉब दिलवाने के लिए। वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी है। इसी टोले में 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, पर पढ़ाई लिखाई का स्तर काफी कम है। पूरी बस्ती में सिर्फ एक आधा लोगों ने ही इंटर पास किया है और वे यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों में शामिल हैं। अशिक्षा के कारण ही गांव के लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। उसके लिए लड़ना तो फिर भी दूर की बात है। देखिए, ये हालात है जो पड़ताल करने News18 निकली है, उस पड़ताल में ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है आरक्षण के बारे में, और आरक्षण को लेकर जो लोगों की धारणा है इनकी, इन्हें जानकारी नहीं है। ये समाज जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक स्तर पे अभी पिछड़ा है, और इसे ज़रूरत है कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस समाज को जागरूक किया जाए और इन्हें शिक्षित के साथ साथ इन्हें आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी जाए और उनके अधिकार के बारे में इन्हें बताया जाए, ताकि ये भी आगे चलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अपना विकास कर सकें। प्रफुल्ल कुमार, News18, वैशाली। अब धोबी जाति की बात करते हैं। पारंपरिक तौर पर ये जाति कपड़े धोकर और लोगों के कपड़े इस्त्री कर करके अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन इस वक्त धोबी जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। वो बड़े अफसरों और सरकारी बाबुओं के मैले कपड़े धोते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों की कॉलर को चमकाते हैं, पर इनकी किस्मत आज तक नहीं चमक सकी। कटिहार के विनोदपुर की धोबी टोला के दिलीप रजक 50 साल के हो चुके हैं। जब से होश संभाला है, लोगों के कपड़े धोकर रोजी रोटी कमाते हैं। घर में 7 सदस्य हैं और कमाने वाले अकेले दिलीप। आरक्षण क्या होता है ये इन्हें नहीं पता। अब आरक्षण का लाभ मिलता है या नहीं, ये सवाल ही इनके लिए बेईमानी हो जाता है। अब हमने इनसे पूछा कि आप किसी सरकारी दफ्तर में जाकर अपने अधिकारों और आरक्षण के बारे में जानकारी क्यों नहीं लेते, तो इनका जवाब मिला कि अगर वे एक दिन के लिए भी काम छोड़कर गए
तो घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। हम लोग जा नहीं पाते हैं, अगर हम जाएंगे सरकार के दरवाजे पर तो मेरे बाल बच्चा भूखे रह जाएंगे ना, अकेले आदमी है कमाने वाला तो कैसे जाएंगे। संरक्षण देता है सब सुने सुने हैं मगर उनका लाभ ले नहीं पाते हैं। होना क्या चाहिए, यहाँ कैंप कैंप लगाना चाहिए और नज़दीक में रहेंगे तो कपड़ा भी धो रहे हैं तो उनके नज़दीक जाकर दौड़ के 5 मिनट 10 मिनट समय दे सकते हैं। इस धोबी टोला में नीति देवी भी रहती हैं। इन्हें आरक्षण की जानकारी तो है पर इसका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा। 6 महीने पहले ही पति का देहांत हो गया पर विधवा पेंशन का लाभ तक अब तक नहीं मिल पाया। सरकार का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम जब पति जब मर गया उसका पैसा भी नहीं देता है, नहीं मिलता है। ऐसे किसी तरह कपड़ा धोते खाते कैसे चलते, यही तो 6-7 महीना हो गया। टोला के कई लोगों ने BA और MA पास किया है, पढ़ाई लिखाई के बाद भी बेरोजगार हैं। कपड़े धोकर इस्त्री करके ही गुजारा करना पड़ता है। सरकार की आरक्षण नीति के बावजूद इस समाज के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से आज भी यहां के बच्चे कंपटीशन में अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण का कोई फायदा नहीं है, आरक्षण का फायदा कहाँ को उठा पा रहा है। अभी बहुत तरह बच्चा लोग BA पास करके MA पास करके डिग्री वग्री लेकर बैठा हुआ है। आपके मोहल्ले में BA पास है? हाँ, मेरा वाइफ ठीक BA फर्स्ट ईयर है, उसको भी अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारा BA किया हुआ लड़का लोग। विनोदपुर धोबी टोला में रहने वाले युवा किशोर महतो अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक कपड़ा धोकर 5 से 10 रुपए ही मिलता है, परिवार में 7 से 8 लोग खाने वाले हैं, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है। किशोर चाहते हैं कि टोला के लोगों को कैंप लगाकर आरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। सबसे पहला बात कि हम जब से छोटा से बड़ा हुए अभी तक तो अभी तक किसी भी न्यूज चैलेंज को यहाँ पे नहीं देखे हैं, जो न्यूज चैलेंज के लेके इस गरीब भाई धोबी भाई लोग का हम लोग का दिखा है। और सबसे पहले आपका शुक्रिया जो न्यूज 18 वाला है जो इसको दिखाने का कोशिश कर रहा है, सरकार तक बात पहुँचाने के लिए कर रहा है। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, देखिए कितना अच्छा अच्छा सुंदर सा बच्चा है मगर किसी को भी कुछ भी नहीं है। किसी के पास कपड़ा है तो किसी के पास कपड़ा नहीं है। 10 रुपया मिलता है, 5 रुपया मिलता है कपड़ा, दो के 7 गो 8 गो फैमिली को कैसे चलाएगा। तो आपसे आपका न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आप जर्जर स्थिति देखिए, आंख से देख भी रहे हैं। कटिहार शहर के धोबी टोला के हालात देखकर ये साफ हो जाता है कि आरक्षण का लाभ अब तक समाज के खास लोगों तक ही पहुंच पाया है। धोबी समाज का बहुत बड़ा तबका जिसे सच में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वे अभी भी इससे अछूते हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो हमने आपको अलग अलग जातियों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, किस जाति की दशा क्या है, अब ये मोटा मोटी साफ हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या क्रीमी लेयर को लेकर जो बहस चल रही है वो जायज है, ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी बनाने को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि SC में भी कई जातियां ऐसी हैं जो बाकी जातियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह गई हैं। ऐसे में कोटे में कोटा के तहत उनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। साथ ही क्रिमी लेयर को लेकर भी फैसला सुनाया और कहा कि राज्य सरकारों को SC ST आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियों में क्रिमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। अब ये क्रिमी लेयर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। OBC वर्ग के तहत क्रिमी लेयर शब्द का प्रयोग होता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से समृद्ध लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। शैक्षिक, रोजगार और अन्य योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाता है। OBC में क्रीमी लेयर के आय सालाना 8 लाख रुपए तय की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में क्रीमी लेयर की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक और बयान दिया जिस पर सियासत और तेज हो गई। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार में SC कैटेगरी में
21 जातियां हैं, लेकिन इन 21 जातियों में से सिर्फ D4 की 4 जातियों के लोग 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मुसहर डोम जैसी जातियों की आबादी ज्यादा है, लेकिन उनको उनकी आबादी के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है। इन जातियों में आरक्षण लागू होने के सालों बाद भी कोई डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बैंक में नहीं है। रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं, लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। मांझी का दावा है कि बिहार में SC ST के तहत आने वाली कई जातियों के लोग ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पारसी समाज के हर 10,000 में से 213 लोग ग्रेजुएट हैं, तो धोबी समाज में 10,000 में से 257 लोग ग्रेजुएट हैं। पासवान समाज में ये आंकड़ा 10,000 पर 113 है। चर्मकार समाज में हर 10,000 पर 109 लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं, तो मुसहर समाज में 10,000 पर सिर्फ 5 लोग ही ग्रेजुएट हैं, जबकि भुइयां जाति के 10,000 में से मात्र 6 लोग ग्रेजुएट हैं। इन सभी जातियों को SC ST के कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है, पर इनमें साक्षरता को लेकर जो फासला है वो कई सवाल खड़े करता है। क्या SC कैटेगरी की 21 में से सिर्फ 4 जातियों ने 90% आरक्षण का लाभ लिया? क्या SC आरक्षण का लाभ सिर्फ D4 जातियों तक ही सिमट कर रह गया? क्या 77 साल बाद भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं SC कैटेगरी की ज्यादातर जातियां? न्यूज 18 की पड़ताल में भी क्रीमी लेयर की बात काफी हद तक सच साबित हुई। अगर सच में आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलने की जगह क्रीमी लेयर को ही मिल रहा है, तो इस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे की बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही दलित और महादलित की कैटेगरी डिवाइड की हुई है, जिसके हिसाब से बिहार सरकार महादलित को विशेष मदद देती है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।